Good morning, students. Today topic is Neisseria bacteria, which is gram-negative cocci. This genus Neisseria consists of two medically important species, that is Neisseria meningitis and Neisseria gonorrhea. Neisseria जो है वो genus जो है दो species ज़्यादातर pathogenic species इसके अंडर आती हैं. फर्स्ट वन इज नाइजीरिया मेनिनजाइटिस एंड अनदर नाइजीरिया गोनोरिया. द हैबिटेट ऑफ द नाइजीरिया मेनिनजाइटिस इज नेसोफेरनेक्स एंड हैबिटेट ऑफ नाइजीरिया गोनोरिया इज मेल यूरेथ्रा. नाइजीरिया मेनिनजाइटिस जो है ये नेसोफेरनेक्स में पाया जाता है एंड नाइजीरिया गोनोरिया जो है ये हमारे ये मेल यूरेथ्रा में मोस्टली पाया जाता है. दीज बोथ नाइजीरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरिया आर ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया. नाउ फर्स्ट वन इज नाइजीरिया मेनिनजाइटिस. दिस बैक्टीरिया कॉमनली प्रेजेंट इन कोकाई शेप एंड डिप्लोकोकस. ये दो बैक्टीरिया जब दो कोकाई आपस में ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें हम डिप्लोकोकाई कहते हैं. उस फॉर्म में हमें मोस्टली फाइंड होते हैं एंड देयर शेप इज बीन शेप्ड है और ये बीन शेप्ड क्या है. सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस नाइजीरिया मेनिनजाइटिस इज दे आर ग्राम नेगेटिव. ये क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. इससे पहले जितने भी हमने बैक्टीरिया किए हैं वो सभी ग्राम पॉजिटिव हैं, लेकिन दिस वन फर्स्ट वी स्टार्ट विद negative bacteria and the first one is Neisseria, which is gram negative bacteria, bean shaped and diplococci. And this bacteria do not have flagella or spores. They do not form any spores. They have no flagella on their body. इनके body पे कोई flagella नहीं है और ये spore production नहीं करते. Now these bacteria are capsulated and possesses pili. इनकी body पे क्या है, pili मिल होगी और capsules भी होंगे. Strictly parasites हैं ये, do not survive long outside the host. Strictly parasites हैं और host के body के बाहर ज़्यादा time तक ये survive नहीं कर पाते. These are aerobic nature bacteria. ये जो है aerobically nature के bacteria हैं. Oxidative metabolism है इनका. ये सभी हम डिस्कस, वी विल डिस्कस ऑल दीज इन कमिंग स्लाइड्स. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड कैटलेज एंड ऑक्सीडेज एंजाइम. इनके पास कैटलेज और ऑक्सीडेज एंजाइम हैं. दे आर पैथोजेनिक इन नेचर. ये पैथोजेनिक नेचर के होते हैं बैक्टीरिया. नाउ मॉर्फोलॉजी, एज आई एम टोल्ड अर्लियर, दे आर ग्राम नेगेटिव, बीइंग शेप्ड एंड डिप्लोकोकस. They do not have any flagella on spore. They do not have any flagella on their body, and they are not able to produce spores. And they are capsulated and have pili. उनके पास capsule भी है इनके body के around और ये pili भी और इनके पास pili भी होती हैं. And their diameter is 0.8 to 0.6 micrometer. इनका diameter होता है. Now culture characteristics of this Neisseria meningitis is they can grow in blood agar and chocolate agar. ये जो bacteria है इनके लिए हम blood agar और chocolate agar we can choose. And even you can also grow them on blood media or serum media. Because these blood and serum promote the growth by neutralizing certain inhibitory substance in culture media. जब हम serum या blood इन दोनों में से कोई भी choose करते हैं इनकी growth के लिए, तो इनकी क्या media की क्या specialty होती है जब हम इसमें blood या serum डाल देते हैं. ये serum या blood जो है ये promote करेंगे growth को, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोशन करते हैं, प्रमोट करते हैं, लेकिन अदर इनहिबिटरी सब्सटेंस जो हैं उनको कल्चर में रोक देते हैं. सो डैट कि अदर बैक्टीरिया ग्रो ना कर पाए, जो इसके रिलेटेड है जैसे नाइजीरिया की पीसेज हैं वही ग्रो कर पाए. सो वी चूज द स्पेसिफिकली ब्लड एंड सीरम.
And we can enhance the growth of these bacteria by addition of 2 to 8% CO2 in media. हम ये जब इनकी incubations कर रहे होते हैं उस समय हम incubation, during incubation we can add 2 to 8% CO2 during the incubation time. Now temperature for them is 36 to 39 degree Celsius, pH range 6 to 8, and their clony diameter is 1 to 2 mm. इनकी जो clony है bacteria की उसका diameter होता 1 to 2 mm, and shape of clony is convex, grey and transparent. इनकी clony जो है convex shape की होगी, grey होगी और transparent होगी. No hemolysis in blood agar. यहाँ पे ये grow करेंगे, there will no hemolysis of the blood media. वहाँ पे blood media जहाँ पे भी ये grow कर रहे हैं वहाँ hemolysis नहीं होंगी, चाहे वो अल्फा है, बीटा है, गामा है, किसी के भी नहीं होगी. Now biochemical properties. These bacteria are oxidase positive and they can ferment maltose sugar. No beta lactamase. They cannot produce any beta lactamase in them. Oxidase positive test देते हैं ये. Maltose sugar को ferment कर सकते हैं ये. और इनके पास lactamase, beta lactamase enzyme नहीं है. बीटा लैक्टामेज जो टेस्ट है वो ये पॉजिटिव नहीं देते. ठीक है. नाउ पैथोजेनेसिस. एज दे आर ह्यूमन पैथोजेनिक बैक्टीरिया सो दे मोस्टली ग्रो इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है. सो ह्यूमन आर होस्ट फॉर देम एंड दे क्लोनाइज इन द नीजोफेरनिक्स. मेनाइजीरिया मेनजाइटिस जो है ये नीजोफेरनिक्स में पाए जाते हैं आपके and become transient flora of upper respiratory tract. Nasopharynx upper respiratory tract area cover करता है, तो ये upper respiratory tract में ही आपके आते हैं. Bacteria ज़्यादातर grow करते हैं, colonize करते हैं आपके वहाँ पे. And when they enter through the nasopharynx, they can enter in bloodstream. जब वो enter कर जाते हैं आपके नेसोफेरिनिक्स ट्रैक में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में खुद भी खुद रास्ता ढूंढ लेते हैं और ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं. जब ब्लड स्ट्रीम से वो मेनिंजिस में चले जाते हैं. फ्रॉम द नेसोफेरिनिक्स ऑर्गेनिज्म कैन एंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड स्प्रेड टू मेनिंजिस एंड और मेनिंजिस तक स्प्रेड हो जाते हैं, आपके मेनिंजिस में चले जाएंगे एंड इन द मेनिंजिस दे ग्रो, वहां ग्रो करेंगे एंड They cause the infection cerebrospinal fluid. और वहाँ पर CSF infection cause कर देते हैं. Through the meninges वो CSF जो आपके fluid है, cerebrospinal fluid है, उसमें infection cause कर देते हैं. ये bacteria वहाँ पर grow करना start कर देते हैं और growing के बाद उसे हम कहते हैं, ठीक है, meningobacterium कहते हैं. जब bacteria आपकी enter कर जाता है blood stream के through blood, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंटर करेगा उसे हम कहते हैं बैक्टीरिमा. आपके ब्लड में बैक्टीरिमा आ जाता है. नाउ लेबोरेटरी डायग्नोसिस. इट्स फ्रिक्वेंटली आइसोलेटेड फ्रॉम सैंपल सच एज ब्लड एंड CSF. सो यू कैन डायग्नोज देम फ्रॉम ब्लड और CSF. सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भी आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं. एंड द मेथड यू विल चूज फॉर देम, ग्राम स्टेनिंग, कल्चर, ऑक्सीडेट टेस्ट एंड फर्मेंटेशन. इन ग्राम स्टेनिंग, बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ ग्राम स्टेनिंग, यू विल सी दिस पिक्चर लाइक अपीयरेंस ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप. द ग्राम स्टेनिंग, बिकॉज दे आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सो दे विल इन पिंकिश कलर एंड their capsule, they have capsule and diplococci shape in gram staining. Now in culture, their colonies will convex, grey and transparent. And diameter of colonies are 1 to 2 mm. Unki colony ka diameter 1 se 2 mm hoga aur convex or grey or transparent. Jab aap grow karoge, when they grow
in blood agar media. No hemolysis will there. वहाँ पे hemolysis नहीं होगी blood की, as you can see in this picture. Now in oxidase test, they give positive oxidase test. ये oxidase test positive देते हैं. Oxidase test means they have oxidase enzyme in their body, and so they can change the color. They can change the color of COVAX oxidase reagent from colorless to purple color. You can see in this picture where they are growing blood agar media. When you use this COVAX reagent or 2 to 3 drops of COVAX reagents on the colony, when you put these reagent on the colony, they will show from this colorless to purple color. उनकी क्लोनी का जो कलर है वो कलरलेस से पर्पल कलर अपीयरेंस हो जाएगी वहाँ पे आपको. एंड सो यू कैन से दे हैव ऑक्सीडेज एंजाइम एंड दे गिव पॉजिटिव ऑक्सीडेज टेस्ट एंड दे कैन फर्मेंट द शुगर लाइक मैनिटोल माल्टोज. नाउ द अनदर बैक्टीरिया ऑफ नाइजीरिया जीनस इज नाइजीरिया गनोरिया. दिस बैक्टीरिया Neisseria gonorrhea is oval-shaped, gram-negative diplococci, and size is 0.6 to 0.8 micrometer. They occur in pair. They are non-motile, capsulated, and have pili. They have pili. You can see in picture, they have pili on their body. Now, culture characteristics. They can grow in chocolate agar media, and you can enhance the growth of these bacteria by addition of 5 to 10% CO2. And their temperature for growth is 37 degree. And pH range of them is 7.2 to 7.6. Almost they have similarity with the Neisseria meningitis. But their habitat is differ from the Neisseria meningitis. And biochemical properties of these bacteria are, they have pili. Pili is most virulent factor in their body. Inki body mein jo ye pili hai, yehi main virulent pathogenic factor hai jo disease cause karti hai. If they have no pili, then that means they are avirulent nature. So two virulence factor in their cell wall. इनकी सेल वॉल में जो दो फैक्टर्स होते हैं पैरलेंट फैक्टर है वो कौन कौन से हैं. LOS और OMP लाइपो ओलिगोसेक्राइड्स, ठीक, एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन. मेनली ये क्या होता है, लाइपो ओलिगोसेक्राइड्स एंडोटॉक्सिन ऑफ गोनोकोकाई वीकर देन मेनिंजोकोकाई. मेनली ये लाइपो ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन. वो टॉक्सिन जिस भी टिश्यू में होगा, जिस भी सेल में होगा, उससे डैमेज करने का वर्क होता है इसका. एंड आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है, डैट इज OMP, मेन वर्क ऑफ दिस प्रोटीन इज टू अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू एपिथेलियल सेल ऑफ यूरेथ्रा, सर्विक्स, फेरिनेक्स, कंजेक्टिवा एंड रेक्टम. जो मेन वर्क होता है इस आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन का, जो इसकी सेल वॉल में पाई जाती है ये वाली प्रोटीन, इस प्रोटीन का वर्क होता है बैक्टीरिया की अटैचमेंट करना जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं आपके ऑर्गन के, उनके साथ. और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, डैट आर यूरेथ्रा, रेक्टम, सर्विस, फेरिनेक्स, कंजेक्टिवा, इन सभी के साथ. नाउ another one is IgA protease. The main enzyme protease in their body is present, IgA protease. The work of this enzyme is to degrade the antibodies in your body.
एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में जो प्रोड्यूस हो रही है अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया, आईजीए एंजाइम, प्रोटीज एंजाइम उस एंटीबॉडीज को डिग्रेड करेगा, उस एंटीबॉडीज को खत्म करने का स्टॉप करेगा. एंड द मेन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट गोनोकोकाई आर एंटीबॉडीज आईजीए, आईजीजी कॉम्प्लीमेंट एंड न्यूट्रोफिल्स. आईजीए प्रोटीज डिग्रेड वन ऑफ दीज एंटीबॉडीज, इन एंटीबॉडीज वन ऑफ दीज एंटीबॉडीज को ये आईजीए प्रोटीज डिग्रेड कर देगा और आपकी बॉडी जो है इस बैक्टीरिया के टॉक्सिक के अंडर बहुत ज़्यादा डैमेज होने स्टार्ट हो जाएगी बॉडी पार्ट्स जिसमें भी ये ग्रो कर रहा है. एंड अदर बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज आर दे कैन फर्मेंट ग्लूकोज एंड दे आर ऑक्सीडेज पॉजिटिव. पैथोजेनेसिस, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट नहीं है. दे कॉजेज दिस डिसीज इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में ही डिसीज कॉजेज करते हैं नाइजीरिया गनोरिया बैक्टीरिया जो है. एंड ट्रांसमिटेड सेक्सुअली बोथ इन मेल एंड फीमेल, ये मेल फीमेल में ट्रांसमिट हो सकती है सेक्सुअली. नाउ दे कॉजेज द फॉलोइंग इन्फेक्शन, गनोरिया, यूनिटरी कंजंक्टिवाइटिस, पेल्विक इन्फ्लेमेशन डिसीज. ये सभी डिसीज जो है मेन इनका ये काम होता है कि ये डिसीज ये कॉज करें. नाउ लेबॉरेटरी डायग्नोसिस, यू कैन डायग्नोज दिस बैक्टीरिया बाय ग्राम स्टेनिंग, कल्चरिंग, ऑक्सीडेज टेस्ट एंड फर्मेंटेशन टेस्ट. ग्राम स्टेनिंग, इन ग्राम स्टेनिंग दे आर डिप्लोकोकाई हैविंग बीन शेप्ड एंड कैप्सूल. नाउ इन कल्चर देयर क्लोनी आर 1 to 2 mm in diameter, grey, transparent and no hemolysis. They give oxidase test positive. Violet purple color indicates a positive results. Now they ferment sugar, mannitol and they do not ferment maltose. This will differentiate it from the Neisseria meningitis. Thank you. Thank you.